लोकतांत्रिक देश में जब सुनवाई न हो तो लोग अपने ढंग से ही प्रदर्शन करने के लिए तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका दामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दित्तनपुर में निवास करने वाले ग्रामीणों ने अपनाया। वहीं जलभराव वाले स्थान पर चारपाई बिछाकर बैठ गए और शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत सेक्रेटरी नंदराम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि जब सर्दियों के मौसम में गांव के ये हालात हैं, तो यदि बरसात का मौसम आ जाए तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए शायद ही कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी सुन ले, लेकिन उक्त तरीका है सबसे अलग। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी दामपुर धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि ग्राम दित्तनपुर के मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण नाले में जमा गंदगी है, जिसकी कभी सफाई नहीं की गई। नवभारत समाचार दामपुर उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश कुमार जाटव है। क्या है पानी की समस्या? क्या है पानी की? ये समस्या है कि ये लिंग रोड है जाने वाला, और कम से कम 6-7 गांव आ रहे हैं, और यहाँ पे जो नाला है ये कम से कम 6 महीने से भरा हुआ है। कई बार DM साहब को शिकायत करी है, और DPRO को भी शिकायत करी है, BDO साहब को शिकायत करी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आने जाने वाले को बीमारी का भी बहुत खतरा चढ़ा हुआ है, डेंगू का हो जाए, मच्छर हो जाए, और कोरोना का भी इस समय बहुत चल रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सफाई अभियान करो, लेकिन यहाँ सफाई क्या है? तो बिल्कुल सफाई के नाम पे बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है। कई बार नंदराम जी से हमने शिकायत की, नंदराम जी सुनते नहीं है किसी की, और हमारे यहाँ जो पंचायत मित्र है वो तो बिल्कुल ही DPRO समझता है, सुनील कुमार उसका नाम है। कई बार उससे भी शिकायत की, कहता कि भैया कुछ नहीं होने का। पास में सेंट मेरी स्कूल है, यहाँ बच्चे आते भी पढ़ने के लिए, एग्जाम मुख्य मार्ग है पूरनपुर मिलक भज्जे वाला, और बिरामपुर रानीबाग कॉलोनी, इधर बहुत कई सारी कॉलोनी भी कट रही है, मुख्य मार्ग है ये।